हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशेजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड सिक्स में, हमारा चैप्टर नंबर 13 चालू है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे और क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट रुपीज 700 ईच, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज 1280। इफ she wants a profit of rupees 18,000, what should be the selling price per cooker? मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि उसने 80 कुकर्स जो है वो 700 ईच इस तरह से उसने परचेस किए हैं, और उनके लिए उसे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी थी वो थी 1200। लेकिन अगर कुसुमताई उसमें 18,000 का प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उसे जो कुकर है वो एक कुकर कितने प्राइस में उसे सेल आउट करना होगा, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट तो हम यहाँ पे देखेंगे कि द कॉस्ट प्राइस, ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज रुपीज 700, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो इस तरह से हमें 80 कुकर्स की कॉस्ट हमें निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू रुपीज 700 मल्टीप्लाई बाय 80। ओके, सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, रुपीज 56,000। लेकिन इतना इनफ है क्या? नहीं, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगी थी। सो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते समय हमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी हमें इंक्लूड करनी होगी। ओके, सो इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 56,000। ओके, और ट्रांसपोर्ट उसे कितना लगा है, वो है 1280। ओके, सो हमें आंसर क्या मिल जाता है, रुपीज 57,280। ओके, लेकिन शी वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, प्रॉफिट रुपीज 18,000। ओके, सो उसे क्या करना होगा, सो शी शुड सेल द कुकर फॉर कितने रुपीज में होगा, तो वो होगा 57,280 प्लस 18,000 जो कि उसे प्रॉफिट कमाना है। ओके, सो इसका मतलब आंसर हमें मिल जाता है रुपीज 75,280। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा आंसर हमें फाइंड आउट हुआ है? नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सो द सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, ओके, इज कितनी है, हमने अभी फाइंड आउट की, तो वो है 75,280। ओके, सो इसका मतलब द सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर, ओके, सो वन कुकर के हमें प्राइस निकालनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, 75,280 डिवाइडेड बाय 80। ओके, सो हमें 75,280/80, तो हमें आंसर मिल जाता है रुपीज 941। ओके, सो इसका मतलब हम आंसर में क्या लिखेंगे कि कुसुमताई, ओके, ये इस तरह से हमें लिखना ही होता है स्टूडेंट, कुसुमताई शुड सेल ईच कुकर कितने में, एट रुपीज 941। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके कि हमने क्या किया है? सो यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस है एक कुकर के हमें 700 जो है वो क्वेश्चन में दी गई है। ओके, 80 कुकर्स की फाइंड आउट करने के लिए हमने 700 मल्टीप्लाई बाय 80 किए, तो हमें यहाँ पे 80 कुकर्स की प्राइस मिली। सो लेकिन क्या ये टोटल कॉस्ट प्राइस है क्या, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट भी लगा था। सो हमने कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट ऐड करके हमें मिल गई 57,000
280, लेकिन वो कितना 18,000 प्रॉफिट कमाना चाहती थी, इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस में 18,000 का प्रॉफिट भी ऐड किया तो हमें आंसर मिला 75,280। ओके, सो अभी 80 कुकर्स की प्राइस क्या हुई है 75,280। तो हमें एक कुकर के फाइंड आउट करने के लिए हमने 75,280 को 80 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया 941। सो कुसुमताई को एक कुकर 941 में सेल आउट करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट 12,000 ईच एंड स्पेंट रुपीज 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। सो ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, सो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ओके ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ओके रेफ्रिजरेटर इज कितने हमें दी गई है तो वो है 12,000। ओके, समझ में आ रहा है। सो द कॉस्ट प्राइस, अभी 10 रेफ्रिजरेटर की हमें फाइंड आउट करनी होगी, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर ओके तो वो कितनी होगी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1,20,000। ओके, सो यहाँ पे क्या हमें कॉस्ट प्राइस मिली है, नहीं, क्योंकि 5,000 ट्रांसपोर्ट भी लगा है। सो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ओके इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ओके प्लस ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट उसे कितना लगा था, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट कितना है 5,000 है। ओके, सो कितने रुपीस हो जाते हैं, 1,25,000 हो जाते हैं। ओके, सो क्या यहाँ पे हमें आंसर मिला है, नहीं, क्योंकि उसे कितना प्रॉफिट कमाना था 20,000। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ओके ये हमेशा ही लिखना है आपको, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे तो इस तरह का आपको लिखना है, द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर ओके टू मेक अ प्रॉफिट ओके प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,25,000 प्लस 20,000 ओके मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या है प्रॉफिट, सो हमें आंसर मिल जाता है रुपीज 1,45,000। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि द सेलिंग प्राइस ओके सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर ओके कितनी मिल गई है हमें, तो वो है रुपीज 1,45,000। ओके, सो हमें एक जो रेफ्रिजरेटर है उसकी प्राइस निकालनी होगी, मतलब द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर, मैं इस तरह से शॉर्टकट में लिखती हूँ, ये रेफ्रिजरेटर है। ओके, सो 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10 ओके सो 1,45,000 अपॉन 10 सो हमें आंसर क्या मिल जाता है 14,500। ओके, सो इसका मतलब इंद्रजीत ओके इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर ओके रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 14,500। ओके, ये 14,000 ये है 14,500। ओके, सो इसका मतलब इंद्रजीत को एक रेफ्रिजरेटर 14,500 को सेल आउट करना होगा। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता बाई सोड सीड्स वर्थ रुपीज 13,700 इन हर फील्ड, शी हैड टू स्पेंड 5,300 ऑन फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स एंड रुपीज 7,160 ऑन लेबर, इफ ऑन सेलिंग हर
her produce, she received rupees 35,400. What was her profit or loss? So हमें यहाँ पे find out करना है कि उसे profit हुआ या loss हुआ. सो पहले तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे. सो टोटल कॉस्ट प्राइस ओके कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड, ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर, ओके फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ओके पेस्टिसाइड्स एंड प्लस उसे लेबर भी लगे थे, ओके सो लेबर. सो यहाँ पे कितने होंगे, 13,700 प्लस 5,300 जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के ऊपर खर्च किया था वो, प्लस लेबर के ऊपर था वो था 7,160, ओके सो इसका आंसर कितना आता है, तो वो होगा 26,160, ओके इसका मतलब. और सेलिंग प्राइस क्या है, द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 35,400, ओके सो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको भी लिखना ही होगा स्टूडेंट इस तरह से कि द सेलिंग प्राइस इज मोर देन, ओके देन द टोटल कॉस्ट प्राइस, ओके सो देयरफॉर इट्स अ प्रॉफिट. सो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके सो इसका मतलब 35,400 माइनस 26,160, सो हमें आंसर मिल जाता है 9,240, ओके सो हमें आंसर मिल गया 9,240. सो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि ललिता बाई गॉट अ प्राइस ऑफ रुपीज 9,240. ओके समझ में आ गया स्टूडेंट आपके. सो समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि हमने क्या किया है, ओके सो देखा आपने कि कैसे हमने ये सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं. स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.